गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही होती है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं रिडॉक्स। और कहीं पर अगर खाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑक्सीडेशन, और कहीं पर अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं रिडक्शन, और दोनों अगर एक साथ हो रही है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना। किसी रिएक्शन में जब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसके लिए टर्म यूज की जाती है ऑक्सीडेशन। रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब है जब किसी में रिएक्शन हो रही है, किसी केमिकल इक्वेशन में जब रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसका अपोजिट बिल्कुल आपका रिडक्शन है। रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर, उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम रिडक्शन। दो मेन टर्म्स और हैं, क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस एजेंट को कहा जाता है जिसके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो दे रहा है, ठीक है, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो अपने पास से ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, उसके लिए टर्म यूज की जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, या जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है उसके लिए टर्म यूज की जाती है ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रहा है उसके लिए टर्म यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे रहा है उसके लिए टर्म यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है उसके लिए टर्म यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसको आप इक्वेशन के थ्रू समझिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है कॉपर और वाटर H2O। देखो इसके पास ऑक्सीजन है और ये अपना ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है ना, प्रोडक्ट में इसके पास अब ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है तो हम बोलते हैं रिडक्शन। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? एड हो रहा है। यहाँ पर देखो इसके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं था ना, इसके पास यहाँ पर एड हो गया, तो इसमें एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीडेशन। इसमें रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। इसके पास क्योंकि ये दे रहा था तो इसके पास है ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसलिए इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके पास नहीं था तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरा उसका क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक और इक्वेशन लेते हैं, H2S प्लस क्लोरीन बन रहा है S मतलब सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। यहां से देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, S अलग हो गया और H2 अलग हो गया, तो अगर रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और इसमें एड हो रहा है तो रिडक्शन। देखिए इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसमें एड हो रहा है, एड हो रहा है तो रिडक्शन, और रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके पास एच है तो रिड्यूसिंग एजेंट। हमने कहा था ना जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके पास हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके पास हाइड्रोजन है यहां से वो क्या हो रहा है? दे रहा है, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके पास नहीं है तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन, ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो Zn बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो Zn के पास ऑक्सीजन है, यहां से रिमूव हो रही है, रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, यहां एड हो रही है तो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके पास नहीं है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। एक और टर्म लेंगे, सॉरी इक्वेशन लेंगे, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बन रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोरीन एंड वाटर। देखिए यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, यहां पर नहीं है ना, यहां से यहां पर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, यहां पर नहीं है यहां पर एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। इसके पास ऑक्सीजन है तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके पास नहीं है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। वो आपको एक इक्वेशन दे देंगे और आपसे उसमें पूछेंगे, ठीक है। जैसे ये कोई भी एक इक्वेशन दे दी तो आपको एरो के थ्रू कि यहाँ पे रिमूवल हो रहा है या एडिशन हो रहा है
ऑक्सीजन का हो रहा है या हाइड्रोजन का हो रहा है, उसके बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करेंगे। और जिसके पास ऑक्सीजन है उसको बता देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसे बता देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सेम इसका अपोजिट, जिसके पास हाइड्रोजन है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके पास नहीं है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंटिन्यू करेंगे क्लास को।